दोस्तों, इस दुनिया में ब्रह्मांड ही सब कुछ है जिसमें सब कुछ समाहित है। साथ इसमें कई हजारों रहस्य भी दफन हैं। और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में हजारों पिंडों की तरह घूमती हुई केवल एक कण मात्र ही है, जहां पर पृथ्वी के साथ साथ कई और ग्रह भी उपस्थित हैं। इसे हम वायुमंडल भी कहते हैं, जिसे इंसानों ने सिर्फ अभी समझना शुरू ही किया है। वैसे तो खोज करना मानव की फितरत है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो मानव उसकी खोज करने में जुटा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और वो है हमारा अनंत ब्रह्मांड। आज हम इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट हमसे हजारों मील दूर जाकर ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों से हमें अवगत करा रहे हैं जिनके बारे में हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मनुष्यों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सबसे पहला मानव रहित स्पेसक्राफ्ट आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वैसे तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 था, लेकिन इसे वॉयेजर 2 की लॉन्चिंग के 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 मानव निर्मित पहली ऐसी वस्तु है जो कि हमारे ग्रह पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। यह अंतरिक्ष शोधयान पहला मानव रहित यान था जिसे हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। वॉयेजर 1 ने गुरु और शनि ग्रहों की यात्रा की, और यह अंतरिक्ष यान गुरु और शनि ग्रहों की तस्वीर भेजने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष शोधयान बना है। आज से 44 साल पहले शुरू हुई यह अंतरिक्ष यात्रा आज भी जारी है, और यह अंतरिक्ष यान अभी तक अंतरिक्ष के कई रहस्यों को उजागर कर चुका है। इस ब्रह्मांड की तमाम जानकारियां इस यान ने हम तक पहुंचाई हैं। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने ही मिशन हुए हैं जिनसे हमें इतनी जानकारियां प्राप्त हुई है। आज 44 साल बाद भी ये अंतरिक्ष यान खुद से ही अपना सफर पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो समय समय पर वैज्ञानिक एलियंस को देखने की बात करते रहे हैं, लेकिन जब 16 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 मिशन अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ, तो जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचा, उसके महज 11 दिन बाद ही इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट को दूर अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमय चीजें दिखी। ये एक गोल गुंबद की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल किसी सर्कुलर क्राफ्ट की तरह दिख रहा था। जब ये क्राफ्ट आसमान में मंडरा रहा था, तो एस्ट्रोनॉट की क्रू ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन ये वीडियो महज कुछ ही सेकंड्स का था। इस वीडियो में एक रहस्यमय यूएफओ को आराम से देखा जा सकता था, लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आया, तो नासा ने इस वीडियो क्लिप को गायब कर दिया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इस टेप की कॉपी को भी छुपा दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद नासा के जॉनसन नाम के एक कर्मचारी को अचानक से ये टेप मिल जाती है, और फिर ये टेप सार्वजनिक हो जाती है। इस टेप में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह एक सर्कुलर शेप का क्राफ्ट अंतरिक्ष में मंडरा रहा है। लेकिन ये क्राफ्ट की तरह दिखने वाला क्या था, इसका हमें आज तक कुछ नहीं पता चल सका है। नासा के अपोलो 16 मिशन के साथ हुई ये घटना तो महज एक घटना थी, लेकिन अंतरिक्ष की इन गहराइयों में कई सारी ऐसी तस्वीरें खींची गई हैं जिनका जवाब आज भी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी से कोई एस्ट्रोनॉइड टकराने वाला हो, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान और लगभग हर क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। आज से लगभग 650 लाख साल पहले 10 किलोमीटर व्यास वाला एक एस्ट्रोनॉइड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया था, जो कि डायनासोर के अंत की वजह माना जाता है। और ये तो निश्चित है कि एस्ट्रोनॉइड हमारी पृथ्वी से फिर से टकराएगा। इसकी वजह से वैज्ञानिक उसे रोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एस्ट्रोनॉइड एक बहुत ही बड़ी चट्टान की तरह होता है, हालांकि इसमें छोटे एस्ट्रोनॉइड भी होते हैं जिन्हें मेटियोराइड्स कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के आकाशमंडल में प्रवेश करते हैं, तो इन्हें मीटियर्स कहा जाता है। सन 1988 से 2017 तक नासा 700 आग के गोले गिन चुका है जो विभिन्न चीजों के हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से बने थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर डायनासोर के समय जितना बड़ा एस्ट्रोनॉइड हमारी पृथ्वी से आज टकरा जाए? तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉइड का पता लगाने के लिए नासा रात के आसमान की काफी सारी पिक्चर्स लेता है और कंप्यूटर की मदद से गतिमान चीजों को देख लेता है। वैज्ञानिक अलग अलग एंगल से पृथ्वी के पास मौजूद अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं ताकि वो जान सके एस्ट्रोनॉइड हमारे कितना पास है। एस्ट्रोनॉइड की रफ्तार और चमक से भी वो उसको जान लेते हैं, जिससे पता चलता है कि एस्ट्रोनॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। इससे अगर कोई 10 किलोमीटर व्यास वाला एस्ट्रोनॉइड फिर से पृथ्वी से टकराने वाला हो, तो हमें पता चल जाएगा
लेकिन उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, जब हमारी पृथ्वी से कोई एस्ट्रोनॉइड टकराएगा तो उसकी टक्कर से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में इतना धुआं और मलबा इकट्ठा हो जाएगा जिससे एक साल तक पृथ्वी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और धरती के सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे जिससे इंसान जाति का भी नामो निशान नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय नासा ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे एस्ट्रोनॉइड की पृथ्वी से टक्कर को खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो हम इंसान बहुत सी महंगी महंगी चीजों का आविष्कार करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज ISS है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दोस्तों इसके नाम से ही आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसका काम क्या है। ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज है जिसकी कीमत 100 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इसे साल 1998 में यूके द्वारा स्थापित किया गया था और ये पृथ्वी से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो रात में आसमान साफ रहने पर नंगी आंखों से भी किसी तारे के समान चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक सेकंड में लगभग 7.66 किलोमीटर की गति से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, अर्थात मात्र 92 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब कि दिन में 15 चक्कर। इस स्पेस स्टेशन का वजन 419,455 किलोग्राम है। ये मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे भारी वस्तु भी है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में अमेरिका के अलावा कनाडा, रूस, जापान और यूरोपियन संघ के 11 देशों ने सहयोग किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये स्पेस स्टेशन इतना बड़ा और भारी होने के कारण इसके विभिन्न हिस्सों को 136 उड़ानों के जरिए भेजा गया था। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कई और ग्रह भी मौजूद हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह है और अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसानों को इस लाल ग्रह से काफी उम्मीदें हैं। वैज्ञानिकों ने साल 2030 तक मंगल में इंसान को भेजने की तैयारी भी कर ली है। कई देशों की स्पेस एजेंसीज भी इस ग्रह पर जिंदगी तलाश रही है, मगर दिक्कत की बात वहां के हालात हैं जो जिंदगी पनपने के लिहाज से अनुकूल नहीं है। दोस्तों मंगल ग्रह एक बंजर जमीन की तरह फैला हुआ है और ये एक ठंडा ग्रह भी है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में मंगल के ध्रुवों का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस लाल ग्रह पर ऑक्सीजन भी काफी कम है। वहां पर सिर्फ 5% ऑक्सीजन ही मौजूद है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ऐसे में वहां पर जिंदगी पनपने की गुंजाइश बेहद ही कम है और वैज्ञानिक इसमें जिंदगी बसाने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अंतरिक्ष में हमेशा अंधेरा होता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग इसका कारण नहीं जानते होंगे। तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में वायु और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है जिसके कारण से यहाँ अंधेरा रहता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य में प्रकाश होता है तो उससे अंतरिक्ष भी प्रकाशवान हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूरज और तारों का प्रकाश सिर्फ ग्रहों पर ही रहता है जैसे कि पृथ्वी, बुध और बृहस्पति, जबकि अंतरिक्ष कोई ग्रह नहीं है। अंतरिक्ष में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे जिसमें हम धरती पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी गैलेक्सी में धरती जैसे अन्य ग्रह भी हो सकते हैं और उन ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है जहाँ पर हम मनुष्यों से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते होंगे। अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सीज ढूंढी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में लगभग 19 अरब गैलेक्सीज हो सकती हैं। तो दोस्तों ये है सिर्फ थोड़ी सी जानकारी अनंत रहस्यों से भरे हुए अंतरिक्ष के बारे में, क्योंकि अनंत रहस्यों से भरे हुए इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत जानकारियां छुपी हुई हैं। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष के बारे में वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।